दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग Redmi Note 13 सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने के लिए। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहां पर आज जो काफी अच्छी गुड न्यूज है वो Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन को लेकर के आ चुकी है। Redmi 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन से Amazon पे लिस्ट हो गए हैं, इनकी लॉन्च टाइमिंग कन्फर्म कर दी गई है। ये सब कुछ बताने वाला हूं। जो लोग भी इंतजार कर रहे थे और काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है। सब कुछ बताने वाला हूं, क्या कुछ नई अपडेट है, कब लॉन्च हो रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो मैं आपको काफी समय से बता रहा हूं कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं, काफी सारी सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुए, ऑफिशियली ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो यहां पर टीज हो रहे थे। अब दोस्तों फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लीक बताया था, जहां पर मैंने आपको कहा था कि कहा जा रहा है कि Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नवंबर के लास्ट तक नहीं लॉन्च होने वाले हैं। नवंबर के बाद में ये जो स्मार्टफोन से वो लॉन्च होंगे। फाइनली आज यहां पर अभिषेक यादव जो लीकर हैं उनकी तरफ से Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो इंडिया लॉन्च टाइमलाइन है वो यहां पर लीक कर दी गई है। अभिषेक यादव का कहना है कि Redmi Note 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो यहां पर अगले महीने यानी दिसंबर के महीने में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ साथ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में भी लॉन्च होने वाले हैं। ये जो स्मार्टफोन्स है वो दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। ये कुछ चीजें यहां पर अभिषेक यादव की तरफ से लीक की जा रही, जो कि एक लीकर है। तो अब यहां पर ये चीजें धीरे-धीरे कंफर्म होना स्टार्ट हो रही हैं। साथ में जो मुकुल शर्मा है ये भी यहां पर काफी सारे ऐसे हिंट दे रहे हैं जिससे ये चीजें कंफर्म होती हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। तो फाइनली जो Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus है वो यहां पर अगले महीने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि Redmi Note 13 सीरीज के साथ साथ Redmi 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं। और आज यहां पर Redmi 13C जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, Redmi 13C का जो 4G वेरिएंट है वो यहां पर Amazon पे साइलेंटली लिस्ट हो गया। मतलब कंपनी ने इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया, लॉन्च नहीं हुआ और ये जो स्मार्टफोन डायरेक्टली Amazon पे लिस्ट हो गया, जहां पर इस स्मार्टफोन के सारे फीचर्स, स्मार्टफोन की डिजाइनिंग, ये सब कुछ यहां पर लिस्ट हो गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसमें जो है वो 4GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 4G वेरिएंट है, IPS डिस्प्ले पैनल है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये कुछ स्मार्टफोन्स हैं और अगर आप वेट कर रहे हैं Redmi Note 13 सीरीज के स्मार्टफोन का, अगले महीने डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन्स वो इंडिया में आ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स के बारे में? आप क्या वाकई इन स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल ये थी कुछ आज की आई हुई नई लीक्स, जो कि मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब जैसे इन स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी और नई डिटेल्स आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।